क्या हरकत है सर, ये बोतलें जा रही है। ध्यान से भाई, मेरी बेगम एक ही है मेरे पास। बाबा ये आपका सुन, ख्याल रखियो अपनी बहन का। ओके, 3 आवर्स लेटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का प्लान थंबनेल और वीडियो के टाइटल से तो पता चल गया होगा आपको कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पे। हाँ जी, आज हम जा रहे हैं हॉर्स पे, आपके भाई ने गाड़ी हलाना सीख के लिए माशाल्लाह से। बाकी जो मेरे यूट्यूब पे रिपोर्टें हुई थी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी मेरे इश्यूज हुआ था यूट्यूब पे, तो मैं आपको आगे बताऊँगा, उसकी आप टेंशन नहीं लें। अभी मुझे रेडी वेडी होके गाड़ी वाड़ी निकाल के फिर चलना है हाउस पे। फिर इतना इन्होंने कह दिया सेम गाड़ी चलाना थी तो गए हो, लेकिन लेके भी चल लो कहीं। तो बस अब अना को कहना है आप खड़े हो जो, इतने में मैं जा रहा हूँ गाड़ी वाड़ी दिलवा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो रही है। फिर ऊपर से फिर मैं मुझे भी रेडी होना है गए जाके। क्या गए, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं आगे, आ जाओ। और हाँ, और हाँ, और आप बोलोगे सेम भाई इतने इतने, मतलब कि आपने क्या कर लिया अपने आप के साथ। यार देखो, आप लोगों को पता है गर्मियों के दिन है, हॉजवे कली झील सी व्यू सी साइड ऐसी जगहों पे जाना इंसान का बहुत होता है इन दिनों। दर्द ही बाजार कुछ काला हो जाता है, और जब जिम ज्वाइन करूँगा तो आपका भाई बिल्कुल फिट हो जाएगा पहले की तरह। ये आप मत सोचना कि सेम भाई क्या हो गया है, आपने क्या ऐसा कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है भाई। आपका भाई जिम जाएगा एकदम फिट हो जाएगा। ओके, चलो अब चलते हैं गाड़ी दिलवाने की तरफ, वॉश वॉश करवाने के बाद उसके बाद मैं घर जाऊंगा, कपड़े वपड़े चेंज करूँ, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर इधर आऊंगा। फिर इनको देखते हैं तैयार होने में कितना वेट लगाते हैं, कितना वेट नहीं लगाते। अच्छा, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. हमारा न्यू ब्लॉग आया है और हम जा रहे हैं इतने दिनों बाद, और खास बात ये है कि मेरे से गाड़ी चलाना सीख गए। और अभी हम जा रहे हैं होटल, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, इसलिए हम ब्लॉग भी नहीं बना रहे थे क्योंकि हम कहीं जा रहे नहीं थे, और आज जा रहे हैं तो हमने सोचा ब्लॉग बना लें। और ब्लॉग के लिए ब्लॉग नहीं आने उसके लिए ब्लॉग नहीं आ रहे यार, हमारे ब्लॉग ना आने की वजह ये थी क्योंकि हमें, मैं आपको क्या बताऊं, हमें किसी ने रिपोर्टें मारी थी अकाउंट पे, लेकिन जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था, सही है, जिसकी वजह से ना वीडियो पोस्ट छुटी थी हमारी, पोस्ट कर रहे थे वो इतनी टाइम में लग रही थी, इतनी टाइम में लग रही, उसकी वजह से वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी। तो वो मुझे उन्होंने, मैंने जब उनको यूट्यूब वालों को कहा ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो उन्होंने कहा अब वन बात अपनी वीडियो अपलोड करके देखिएगा क्या पता आपको रिस्पांस अच्छा मिले। तो अब वन मंथ हो गया है, ठीक है, अब एक महीने बाद आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो भी इसकी बहुत बड़ी। तो हम हॉस्ट में जा रहे हैं और तो हमारी वजह यही थी ब्लॉग ना बनाने की, हमें कोई आपसे नाराजगी नहीं है जो हम आपसे दूर चले जाएं ये हो जाए, भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको हमारी बुरी लगी ये हरकत, लेकिन हमारी कोई हरकत नहीं थी इसमें, ये ब्लॉग की हरकत, लोग कहते हैं ना कि बंदा अगर कामयाब हो रहा है तो फिर लोग चलते हैं। अब जा रहे हैं हॉस्ट में, वहां का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, चलते हैं हमारे साथ हमारे ब्लॉग के साथ। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं और सैम खड़े अभी खड़ी करेंगे गाड़ी। तो अब हम पहुंच चुके हैं और सैम खड़ी कर रहे हैं गाड़ी। हमजा भाई अभी हम अंदर जाएंगे। नाइस, वेरी नाइस, कितना पानी चढ़ा हुआ है यार बाबा, ये गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। माशाल्लाह, मेरी सैम को गाड़ी चलानी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो दोनों चली भी गई हैं यार, ये क्या हरकत है। आओ ना बाबा, आओ सेम आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आप खा जाइए। माहिन माहिन, हाँ चलो। प्यारी जगह पे लेके आ रहा हूँ जहाँ ना इतना रश ना फैमिली, बस सुकून से अपना, ये लोग जो भी करना नहाएंगी वहाँगी व्यू चेक कर सकते हो, इतना प्यार हो रहा है माशाल्लाह। और ये मेरी अनाया,
एक ही। बाकी आपका भाई फर्स्ट टाइम ड्राइव करके हॉर्स पे आया, फर्स्ट टाइम डर लगा थोड़ा को, लेकिन भरोसा मेरी बंदी हर चीज टाइम कुछ नहीं होता, चल ले आप तुम्हें भरोसा करके मतलब हिम्मत करके आ गया। सॉरी आप यहाँ आके कूदना है पानी में, थोड़ा बहुत नहाने एंड में एंड में एंड में एंड में एंड में बैठोगे उठ पे हैं, उठ नीचे आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। तो अभी चलते हैं, नया को पानी की तरफ फेंकने की था, अगर आप इसमें डूब गई मैं आपको बचाने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। सैम तो पहले शो तो कर ही चुके हैं, चेक करो, चेक इनको नहाने की पहले लग गई और यार पहले जो हम आते ना, मैं 3 साल पहले जब आई फिर वापिस आ जाएगी। गजब बेइज्जती है भाई। चलो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, ठीक है। आप खुद देखना पानी पे कितना शोर, ठीक है, ये देख कितना नहर का पानी आ रहा है, खतरनाक शोर में, बट डर लग रहा है नीचे कुछ हो ना तो बाहर दिख जाएगी। कोई नहर चेक कर दो तो आप चेक, और यहाँ नहीं आओ आओ, डर लग रहा है। तो यार अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए थे इस साइड पे, तो इस साइड पे पानी आने लग गया था, तो बना है आपकी भाभी यहाँ आके खड़ी हो गई, क्या हुआ है क्या हुआ, ये तो नहाना नहीं है आपको पानी में, क्या मिल काला कर देगा वैसे ही ऑलरेडी इतनी अच्छा ना मजाक क्या था यार, बाबा वहीं चलते ना, सुकून वाली जगह पे बैठे हुए थे यार, खाने दे नहीं रही हो, इतना पानी है, इतना पानी है के नहीं। यहाँ देख रहे देख रहे देख के देख के देख के देख के खुद भागती में आएंगे, देख चलो अच्छा हमें साथ आओ, मैं साथ आओ, कुछ नहीं होगा, अगर मैं आपको धक्का दे दूँ ये एक बात है, चश्मे को टूटा हुआ लगाई हुई नोट किया, इनके चश्मे के अंदर ना गिलास ही नहीं है, देख सकते हो ये क्या हरकत है, ये बोतलें जा रही है खड़ी हो जाओ क्यों था गली से, तो जाओ पागल, वो लेके भी जाता पानी इतना गंदा
अम्मा की बहन ने अम्मा को बोतल बचा ली मेरे, ये क्या किया अम्मा की बैठ उधर इनकी बहन हमजा की बहन उसकी पैंट चढ़ जाती सब मोहल्ला देखते है ना। ये नहीं 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 अंदर छोड़ अंदर छोड़ आ जा आप इन दोनों भाई पानी के अंदर छोड़ आ जा हुई हुई तेरी अंदर बात तो सुन। तो अंदर भाई मैं आपको इस पानी के अंदर फेंक दूं हैं बचाने को ना मैं ही आऊंगा और कौन आएगा आ देखते हैं बोतल कहां से क्या चलो ठीक है ये वापस ही आई बोतल ये वापस ही आई बोतल हां उतार दो बॉडी बॉडी दिखाओ अपनी जरा खत्म टाटा बाय बाय अब सीन आएगा टाटा बाय बाय क्लास चलो जल्दी आजो बेचारे कब से खड़े हैं मैंने उन्हें रोक के रखा हुआ है भाई जल्दी आजो तो अंकल कब से खड़े हैं मैंने उनको कब से खड़ा किया हुआ है एक घंटे से मैं तो बोल रही हूँ जिद कर रही हूँ लेके नहीं चल रहा आजो भाई गाइस वहाँ बहुत लड़के क्यों नहीं इधर दिखाओ गाइस वहाँ बहुत लड़के थे बड़ा ध्यान दो के आगे नए को बैठने हो ताकि तुम लोग रिकवर कर ले वो यही जाए बाबा ध्यान दे भाई मेरी बेगम एक ही है मेरे पास जैसी बेगम वो मिलेगी भी नहीं बाबा ये आपका सुन ख्याल रखियो अपनी बहन का ओके 3 आवर्स लेटर तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं क्योंकि ना हम जब हम ऊंट पे बैठे थे तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था और थोड़ा बहुत तो बना लिया था वो दिखा देंगे और जब हम आगे जा रहे थे उस वक्त ही हमारा मोबाइल ऑफ हो गया था और अभी हम घर जा रहे हैं बाकी सेम बाकी यार मजा बहुत आया थोड़ा बहुत मजा आया क्योंकि हमारे मोबाइल ऑफ हो गए तो सिवाय हमारा मजा खराब हो गया था पिक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं लिया हम लोगों ने वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं बना बहुत इन्होंने मैडम ने ना पावर बैंक खुश रखा सही है
ऊपर से धूप इतनी, टेम्परेचर दे रहा है आईफोनों का, आपको पता है क्या होता है। इसकी वजह से हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादती हुई हमारे साथ। हमारा इतने दिनों के बाद हम लोगों ने व्लॉग बनाया, व्लॉग हमारा ऐसा गया, आप लोग भी हम पे गुस्सा हो रहे कि क्या हरकत है भाई। चलो जितना भी बनाया हमने बनाया, कॉम्प्रोमाइज कर लेना प्लीज हमारे लिए, ठीक है? समझ लो मिनी व्लॉग है, छोड़ो ना हमारा मिनी व्लॉग है। बाकी आप इस व्लॉग को बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, ताकि हमें पता चले कि हम इतने दिनों के बाद आए लेकिन आपके दिल में हमारा प्यार वही है अभी देख के। समझ आ गई? चलो ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर पहुंच के फिर आपको हम मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। अभी चलते हैं घर की तरफ, अभी फैमिली और आ रही है लेकिन हमारे मोबाइल ऑफ हो गए, इसकी वजह से हम लोग घर जाना पाना हो गए। ये देखो अभी तो फैमिली जा रही है, अभी फैमिली गाड़ी आ रही है यार। ये बड़ी बड़ी कोस्टरों में आ रही है, मुझसे तो नहाया भी नहीं गया इस पानी के अंदर भाई। पानी इतना यार, बंदा यहाँ आए शाम के टाइम आए एंजॉय करने के लिए, बस उसके बाद अपना धूप से पहले चले जाए। हाँ। ये देखो फैमिली कैसे आ रही है, हमें दिखाइएगा बाबा। ये देखो नजर आ रही है ना फैमिली जाती है, ये अभी कोस्टर से उतरी है। और अभी इस मोबाइल में, जिस मोबाइल में व्लॉग बना रहे हैं, उस मोबाइल में भी 3% चार्जिंग तभी भी ये जा सकता है। तो अब यार हम लोग गड़बड़ पहुंच गए, गाड़ी हिम्मत ही नहीं हुई रोटर पे बैठने की, क्योंकि मिट्टी इतनी काटी थी जिसमें अभी भी मैं नहाया नहीं हूँ, फ्रेश व्रेश कुछ भी हुआ, बस मैंने मुंह धोया है। अभी मैं जाऊंगा घर से, नहाऊंगा धोऊंगा घर जाके, अभी सुकून से सोऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना कहाँ जाना। अभी बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, कमर में इतना दर्द हो रहा, पता नहीं था गाड़ी चलाना इतना मुश्किल होता है बाकी मेरा, क्योंकि मेरा फर्स्ट इतना ट्रैवल था वो भी खुद गाड़ी चला के जाना, और माशाल्लाह चला था बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाऊंगा। अभी बॉस में जाते हुए मुझे ना है हिम्मत दी तो मैंने चला ली। तो यार अभी मैं जाऊँगा घर, मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी काट रही है वहाँ की, घर जाके फिर फ्रेश व्रेश होके सो जाऊंगा बस। अनाया को देखते हैं, अनाया फ्रेश व्रेश होने गई, जब अनाया फ्रेश होके आएंगी तो हम ब्लॉग ऐड करेंगे, ठीक है? और बाकी यार हम लोगों ने आप लोगों को बता ही तो दिया, हमारा मोबाइल वोबाइल ऑफ हो गया, सब चीज़ें हो गई थी, इतना 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 गुस्सा आया ना कि मोबाइल के ऊपर सब चीज़ें हमारी ऑफ, हर चीज़ ऑफ, अब वो गाड़ी में लीड भी ख़राब, बस क्या बोल सकते हैं यार। अब अनाया का वेट करते हैं, अनाया फ्रेश व्रेश होकर आती है तो ब्लॉग ऐड करते हैं। A few moments later. So guys, अब मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और सैम जा चुके अपने घर, क्योंकि उन्हें भी फ्रेश वगैरह होना था ना यार, तो वो घर गए। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, इतना तो मुझे पता है क्योंकि हमने बनाया इतना अच्छा था। तो अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह।